दिनांक 22 अप्रैल को बीटू मॉल थाना समान क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना हुई थी और जिसमें हर्ष दुबे की तरफ से धारा 307-34 के अंतर्गत FIR दर्ज कराई गई थी रोशन गुप्ता, अनुज दुबे और सुजल मिश्रा के खिलाफ। और जिसके आधार पे फिर लगातार टीम्स एक्टिव थी, कई टीम्स हमारी एक चैलेंज की तरह था, कई टीम्स हमारी लगातार अलग अलग जहाँ जहाँ जैसे सूचना आ रही थी या जैसे हमको मुखबिर जानकारी मिल रही थी उस हिसाब से हम लोग लगातार टीम्स को भेज रहे थे और काफ़ी समय से प्रयास था इनकी गिरफ्तारी का। और जो ये रोशन गुप्ता है और जो अनुज दुबे है इनके खिलाफ पुराने 15 और 12 मामले भी हैं, तो ये पुराने अपराधी भी हैं और फाइनली इनको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है और रिमांड लेने के बाद इनसे बाकी जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी अपराध घटित हुआ है उसके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो हर्ष दुबे जो फरियादी है और जो आरोपी है इनके बीच में कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है। फरवरी में भी एक FIR हुई थी और जिसमें ऐसे विवाद हुआ था, ये भी जानकारी आई कि बीच में एक बार और इनके बीच में कहासुनी हुई है। इसके पूर्व में भी इनके बीच कहासुनी हुई थी जो कि FIR में नहीं तब्दील हुई थी, कोई भी उसमें पक्ष थाने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन यह है कि काफ़ी समय से इनके बीच में आपसी रंजिश चली आ रही थी और उसी का नतीजा उस दिन की घटना से निकला था। गोली मारने के बाद अभी तक जो हमको जानकारी मिली है ये इंदौर, पीथमपुर, दिल्ली और भोपाल में इन्होंने फरारी काटी है। अभी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और यदि कोई आश्रयदाता भी रहा होगा या जिसने जानबूझ के जानते हुए कि इन्होंने एक अपराध घटित किया उसके बाद भी इनकी मदद की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी कल भी एक आरोपी को पकड़ा गया था, उससे भी एक पिस्टल जो है बरामद हुई थी, वो भी 308 का आरोपी है और ये भी है एक पिस्टल है, तो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्रों का उपयोग किया गया है और इसको लेके पुलिस टीम लगातार एक्टिव है और निश्चित रूप से इसका जो सोर्स है उसको भी पता इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। जो आर्म्स है उसको भी जब्त करना है और जो सोर्स है कहाँ से आते हैं, कैसे आ रहे हैं, उस सब उस लिंक को भी तोड़ना है, उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई हमको करनी है। निश्चित रूप से, क्योंकि एक जघन्य अपराध था, एक व्यक्ति को गोली लगी और ऑलमोस्ट उसको जान पर बनाई थी, तो ऐसे अपराधी जो है अगर उनको आश्रय दिया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और इनको जब जमानत नहीं मिलेगी और इनके आश्रयदाताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग के खिलाफ डिस्करेज होंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। आरोपियों का ये 20-20 साल के 22 साल के लड़के हैं। दो जो अपराधी हैं रोशन गुप्ता और अनुज दुबे, इनका पुराने रिकॉर्ड है, रोशन के करीब 15 अपराध हैं, 307 भी उसमें सम्मिलित है और अनुज के ज़्यादातर लूट के अपराध हैं, तो इन दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है इसमें। रीवा में गिरफ्तार किया, पिस्टल बरामदगी के लिए भी PR लिया गया है इनका।